एग्रोनिक्स की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों से कपास की फसल में मिलीबग एक नई समस्या के रूप में सामने आ रहा है। यह कीट छोटे छोटे अंडाकार मुलायम शरीर वाले रस चूसने वाले कीट होते हैं। मिलीबग पत्तियों, तनों एवं जड़ों को सफ़ेद मोम पाउडर जैसे पदार्थ से ढक देता है। यह अपने चूसने एवं चुभाने वाले मुख अंगों की सहायता से पत्तियों व तनों से अधिक मात्रा में रस चूसकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देता है। यह कीट मधुरस जैसे चिपचिपे पदार्थ पौधों पर छोड़ देते हैं, जिससे पौधों पर फफूंदी का विकास होने लगता है, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं एवं पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। परिणाम स्वरूप उपज बहुत कम प्राप्त होती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डाइमेटन 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें 2 चम्मच प्रति टंकी सर्फ पाउडर मिलाकर फसल पर 2 से 3 छिड़काव करने पर इस रोग से रोकथाम मिलती है। मिलीबग के प्रकोप की आरंभिक अवस्था में केवल ग्रसित व आसपास के पौधों पर ही छिड़काव करें। कीड़े के सारे खेत में फैल जाने की अवस्था में ही पूरे खेत में छिड़काव करें। आप अपनी फसल व पशु से संबंधित समस्या के लिए एग्रोनेक्स की ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं। वैसी और वीडियोस के लिए एग्रोनेक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।